नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पंचांग। 30 सितंबर 2018 रविवार का आज दिन है। षष्ठी आज तिथि है, रोहिणी आज नक्षत्र है। अब देखते हैं आपका दिन आज कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ दिन है। आज आर्थिक प्रगति आपकी अच्छी होगी, रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी, लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंभीर आप नहीं हैं, उस गंभीरता की आज आवश्यकता है। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए लाल रंग का तिलक लगाएं। वृषभ राशि के व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। आज अच्छी सफलताएँ मिलेंगी, खुशखबरी भी मिलेगी और आपके काम भी बखूबी आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत में अच्छे लाभ के आज संकेत हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने भगवान को भोग लगा कर जाएं। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी, तनाव भी आज कम रहेगा। परिवार के साथ मिलकर कुछ ना कुछ नया होगा जो अच्छा लगेगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, अपने भगवान की आरती आप स्वयं करें। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज का ही आपको आज दिन है, पर दो दिन आपके थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए जितनी मेहनत हो सके आज उतनी मेहनत करके आज के दिन का भरपूर दोहन करें बेहतर होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहेगा, केसर का तिलक लगाएं। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, अभी तो आपके दो दिन और अच्छे हैं, कुछ ना कुछ और खुशखबरियाँ भी मिलेंगी, कुछ नए कार्य भी आज शुरू होंगे। और आज जिन लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं और आपको संदेह है कि बात बनेगी या नहीं, लेकिन बन रही है, इसलिए आप इसी मूड से जाएंगे। जो काम करने जा रहे हैं काम आपका अवश्य ही फलित होगा। विजयश्री का आज दिन है। आज अच्छे कार्यों के लिए तुलसी की परिक्रमा करके जाएँ। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, भाग्य आज आपका बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं मित्रों की मदद से कार्य जल्दी संपन्न होंगे, या रिलेटिव्स कोई मिलेंगे, या आकस्मिक कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपके कार्यों को संपन्न करेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, स्वयं ही मिर्ची खाकर निकलें। तुला राशि के व्यक्तियों का आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेहनत थोड़ी सी कम करनी है। सफलताएं मिलेंगी, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ नए काम हाथ में भी लगेंगे, लेकिन अधिक व्यस्तता से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वो सायंकाल थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन ना खाएं तो बेहतर होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने भगवान के दर्शन करके जाएं। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति आज परिवार के लिए कुछ नया करने वाले हैं, परिवार के साथ घूमना फिरना भी हो सकता है, देवस्थान की यात्रा भी हो सकती है जो सुखद रहेगी, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं आप थोड़े से खोए खोए रहेंगे। आप काम करें या ना करें, किस व्यक्ति से क्या बोलें, तो आज उतना अच्छा दिन नहीं है कि आज व्यवसाय में आप बहुत मन लगा सकें। तो अच्छा यही होगा कि मनोरंजन के कुछ कार्य किए जाएँ, बेहतर रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी के दर्शन करें। धनुराशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है आज धनुराशि व्यक्ति कुछ चमत्कार करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे और व्यक्तिगत सफलताओं की प्राप्ति के लिए मेहनत भी करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। आज आपकी सफलताएं और अच्छी बन जाएं, उसके लिए देवी जी के दर्शन अवश्य करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, सफलताएँ भी मिल रही हैं, लेकिन आज के दिन का बहुत अच्छा फ़ायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ आलस्य भरा हुआ है, या जहाँ आप बैठ गए वहीं बैठकर मटर गश्ती में लगे हुए हैं। आज आपको ऐसा नहीं करना है, आज के दिन का पूरा पूरा लाभ उठाएं, समय व्यर्थ न जाने दें और आज के दिन के लाभ के लिए अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज बेहतर परिणामों के लिए थोड़ा सा कल का इंतजार करना होगा। आज थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें, लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आज आपको कुल मिलाकर काम को जमाना है और कार्य करना शुरू करना है, बस इतना ही करें, कल आपके लिए सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आज आपका दिन और भी बेहतर रहे, उसके लिए अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है, मुझे लग रहा है आज दोपहर के बाद आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। दो दिन से जो परेशान चल रहे थे वह परेशानी आज 11 बजे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद दिन अच्छा होगा और बहुत कुछ अच्छा करने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अधिकारियों से वाद विवाद से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आज के वाद विवादों से बचने के लिए घर के बाहर मिश्री का दान करें या गोल लड्डुओं का दान करें। हमें पहला ईमेल प्राप्त हुआ है संतोष खुशवाजी का। संतोष जी, आपने जानना चाहा पैतृक संपत्ति का आपके यहाँ विवाद चल रहा है, सब कुछ आपके पापा का ही है, जो चाचाओं ने या परिवार के लोगों ने उस पर कुछ विवाद खड़ा कर दिया है और कोर्ट में कहीं स्टे लेने की चर्चा चल रही है। इसमें संतोष जी
एक बात बिल्कुल सही, यदि आप सही हैं तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जब भी इस तरीके के कोई विवाद हो तो हनुमान जी के ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए। ये सब चीज़ें पूर्व जन्म के कारण खड़ी होती हैं और जो इस समय हमें बहुत परेशान करती हैं और कोर्ट कचहरी के मामले से फंसे रहते हैं। हनुमान जी के ऋण मंगल स्त्रोत का पाठ करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, लहसुनिया रत्न सीधे आपकी बीच वाली उंगली में पहने। ऐसा करने से आपका पक्ष मजबूत होगा और जैसे आप पक्ष रखेंगे उसकी सुनवाई भी सही तरह से होगी। और मुझे लग रहा है कि कोर्ट केस जीतने की पत्रिका में योग पूर्ण है, इसलिए आप केस जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो स्टे यही खारिज हो जाएगा, तो क्योंकि न्याय प्रक्रिया अब सही भी हो रही है, शीघ्र भी न्याय हो रहे हैं, तो उसमें आप चिंता नहीं करें। और समय भी आपके पास 3 महीने का है, तो 3 महीने तक अच्छा समय आपका चल रहा है, तो मुझे लग रहा है विजयश्री की आपको प्राप्ति होगी। अग्रिम बधाई, धन्यवाद। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में बात चल रही किसको क्यों भोजन कराया जाता है, अब बारी आती है ब्राह्मण के भोजन की। ब्राह्मण ऐसा विवाद का आज के समय में जो प्रश्न है वह है नहीं। एक्चुअली जो ब्राह्मण होता है अपने आप में एक देवज्ञ होता है और सब कुछ देखते हुए सब कुछ हरण और सब कुछ दोष ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता होती है, उसके पुण्य इतने अधिक होते हैं और उस प्रकार से कहीं पूर्वजों के हमारे कोई दोष बन जाते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह दोष दूर होते हैं। और ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान ही, क्योंकि गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ही इसमें ग्रहण करता हूँ, तो भगवान के लिए भी ये भोजन प्राप्त होता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति का भोजन कराना, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार तो जो ब्राह्मण वही है जो विद्याओं का अध्ययन करता हो, ब्रह्म के साथ रहता हो, तो जो योग्य व्यक्ति हैं और योग्य कार्य कर रहे हैं उनको ही आप ब्राह्मण माने, उनको भोजन कराएं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे और इस समय जो श्राद्ध चल रहे हैं इसका उत्तम फायदा भी आपको मिल जाएगा। मित्रों, धैर्य से बहुत सारे कार्य बन जाते हैं। जब कोई विवाद चल रहा हो या कोई व्यक्ति आपसे भला बुरा कह रहा हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा शांत रहना शुरू कर दें। हालांकि आप शांत रहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति उतना ही तेज़ी के साथ उग्र होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी शांति उसकी उग्रता को कई गुना बढ़ा देगी और उसकी उग्रता आपको उग्र करने का प्रयास करेगी। लेकिन वहाँ यदि आपने थोड़ा सा धैर्य धारण कर लिया तो विजयश्री आपकी पक्की है। और यही कारण है कि जब दो विभूतियों में विवाद होता है तो जो शांत रहता है वही जीतता है। इसलिए धैर्य की बहुत बड़ी कीमत है और धैर्य हम उस समय धारण करें जब कोई विवाद खड़ा कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आपकी जीत उसी समय पक्की हो जाती है जब आपने धैर्य धारण कर लिया है। मित्रों, आज ही इतना ही। यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा मेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है astrologywithacharyarajesh@gmail.com। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe our YouTube channel and all notifications on your mail. Press the bell icon on YouTube app and never miss any update.